सिरदेश सुमन बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023, जैसे कि तमाम स्टूडेंट को पता है आपका जो रिजल्ट है कल दिनांक 8 अगस्त 2023 को रिलीज कर दिया गया था। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी। काफ़ी कंफ्यूजन आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग था और काफ़ी बार आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है, 2 से लेकर 3 बार आपका रिजल्ट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्या पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का, और काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने से पहले, काफ़ी बार मैंने आपको वीडियोज़ में कहा था कि सिरदेश सुमन यूनिवर्सिटी बीएड 2023 के रिगार्डिंग मैंने फाइनल ग्रुप बना दिया है, काफ़ी लोग उसमें जुड़ चुके हैं। कल रिसेंटली 20 से लेकर 25 लोग मेरे इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं और देख भी सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कल का परफॉर्मेंस, यहाँ पे बच्चों का जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं स्टूडेंट का, किस तरीके से परफॉर्मेंस बच्चों ने किया है। देखो स्टूडेंट, ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये भी था कि यहाँ से पता चल सकता था कि कितने मार्क्स में कट ऑफ जा सकती है, कि पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जब काउंसलिंग प्रोसेस होगी प्रत्येक कॉलेजेस की कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है। लेकिन अगर आप ग्रुप में ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। मात्र 50 रुपये मैंने इसका शुल्क रखा था। देखो स्टूडेंट, 50 रुपये के पीछे कितना बड़ा फायदा है, यहाँ पर पता भी चल रहा है कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है काउंसलिंग के टाइम। इसीलिए कह रहा था स्टूडेंट, काउंसलिंग का अपडेट भी आपको इस ग्रुप में मिलेगा, स्कॉलरशिप काफी अपडेट यहां पे मिलना बाकी है, और जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स आए उन स्टूडेंट को हताश भी नहीं होना है। यह भी मैंने कहा था कि उन स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टेट कोटा और आपके मैनेजमेंट की सीट रहती है, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा कि किस कैटेगरी में कहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा ग्रुप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आया था। कल जो रिजल्ट था आपका मात्र 200 नंबर का शो कर रहा था, आज जो रिजल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं आप 400 मार्क्स का शो कर रहा है। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दो स्टूडेंट जिनका वेटेज मार्क्स है। अब देखो स्टूडेंट, वेटेज के रिगार्डिंग काफ़ी कंफ्यूजन है, तो ध्यान देना स्टूडेंट, वेटेज जो मार्क्स होते हो आपके NSS हो NCC हो, अगर आपके फादर्स टीचर थे जब आपने फॉर्म फिलअप किया है वहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ रहे थे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ये सारे जो कोटा थे उसके वेटेज मार्क्स इंक्लूड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है यहाँ पर काफ़ी हाई जा सकते हैं। देख सकते हैं आप इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, एप्टीट्यूड साइंस वाले स्टूडेंट हैं, 262 मार्क्स इस स्टूडेंट के आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 250 से अबव है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा होगा, और जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं उन स्टूडेंट को हताश नहीं होना है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो स्टूडेंट मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें मैंने काफ़ी चीज़ें बताया है, तो यही चीज़ें करता है स्टूडेंट, अगर ग्रुप में ऐड होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि अब काउंसलिंग प्रोसेस का अप टू डेट रहना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप ग्रुप में अपडेट हो, ग्रुप में आपको हर प्रकार का अपडेट मिलेगा, हर प्रकार की क्वेरी का रिजॉल्व मिलेगा, तो यही चीज़ें कह रहता है स्टूडेंट। और आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ध्यान से सुना स्टूडेंट, क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, और जिन स्टूडेंट का जो रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड मेंशन किया है। देखो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का जो मार्क्स है क्वालिफाइड का वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल के जनरल OBC और यहाँ पे EWS की बात करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में आपके 880 मार्क्स आउट ऑफ 400 में से आपके 160 मार्क्स आने चाहिए। SC ST वालों के लिए थोड़ा सा जो नंबर थे काफ़ी कम यहाँ पे रखे गए थे, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है उन स्टूडेंट के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें करते स्टूडेंट, ग्रुप में ऐड होंगे तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपका होने वाला है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, आपको हर अपडेट यहाँ पर रहना जरूरी है, और आपने देखा भी होगा अपडेट विद नब्बू ने आपको हर टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया है, तो आप देख भी सकते हैं। यही चीज़ें कह रहे थे स्टूडेंट, और ग्रुप में जुड़ेंगे तो काफ़ी डाउट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि कई चीज़ें रहते हैं जो आपके माइंड में चलते हैं उसका मैं आंसर भी दूंगा। तो यही चीज़ें कह रहे थे स्टूडेंट, आई होप अब आपका समझ में आ चुका कि यहाँ पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड क्या था। जो आपका रिजल्ट है 400 मार्क्स पे ही यहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ पे काउंसलिंग देख रहे होंगे आप, काउंसलिंग मार्क्स समरी, तो आई होप आप जरूर ग्रुप में जुड़ेंगे। जो नंबर आप देख रहे होंगे आपको उसमें सिर्फ मैसेज करना है, अन्यथा क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।